हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज 23 अगस्त का दिन है और मेरी बेटी आराध्या का बर्थडे है, जो कि बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए। तब जब से आराध्या हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ ही चेंज हुई है। सब कुछ इतना स्पेशल है हमारे लिए आराध्या के आने से कि मैं आप लोगों को मतलब शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ। आराध्या हमारे लिए सब कुछ है, शी इज़ एवरीथिंग फॉर अस। तो आपको बता देती हूँ कि मैं उसके लिए पनीर का परांठा बना रही हूँ, क्योंकि वो पनीर वैसे नहीं खाती है। अगर कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाओ नहीं खाती है, अगर परांठा बनाओ तो बहुत शौक से खाती है। तो स्कूल के लिए मैं पनीर का परांठा दे देती हूँ, तो ये उसके लिए पनीर का परांठा बना रही हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने हाथों से ही पनीर को तोड़ दिया था। अब उसे आटे की लोइयाँ लिए, इसको मैं अच्छे से बेल दूँगी। एक ही परांठा लेके जाती है वो, एक खा लेती है। उसको एक परांठे को अच्छे से पीस करके दे दो, उसके टिफ़िन में रख दो, तो वो एक फिनिश कर ही लेती है। तो ये मैं अब इसको फिल कर दूंगी इसमें। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चे को पनीर खिलाने का, क्योंकि पनीर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। तो कई बच्चे पनीर की, जैसे हम पनीर की तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, कई बच्चे नहीं खाते हैं पनीर, पसंद नहीं करते। तो जब करते तो बच्चों को एक बार परांठा खिला के आप देखिएगा, बच्चे परांठा ज़रूर खाएंगे, क्योंकि परांठे के अंदर उनको पता नहीं चलता है क्या है। तो ऐसे में वो लोग खा लेते हैं, और उसमें फिर कसूरी मेथी डालो तो स्वाद तो अच्छा हो जाता है और भी। तो पहले ये भी नहीं खाती थी आराध्या, तो फिर मैंने एक दिन उसे उसके लिए परांठा बनाया, तो वो परांठा खाने लग गई। तब से मैं इसके लिए परांठा ही बनाती हूँ हमेशा। तो ये इसके लिए अब ये परांठा रेडी हो रहा है। फाइनली परांठा तैयार हो गया है। अब मैं इसके पीसेस कर दूंगी, क्योंकि आराध्य को मैं जब भी टिफ़िन में देती हूँ हमेशा परांठे के पीसेस करके देती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी है तो अभी वो खा नहीं पाती है, ढंग से तोड़ नहीं पाती है, तो पीसेस में वो इजीली मतलब खा लेती है। तो अब मैं इसके 4 पीस कर दूँगी और उसके बाद इसको फॉइल में अच्छे से रैप कर दूंगी। सेकंड बता देती हूँ, मेरे काफ़ी व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं आराध्या के टिफ़िन ढूंढ रही थी, उसका स्टील का, मुझे स्टील का टिफ़िन चाहिए था, तो मुझे मिल गया स्टील का टिफ़िन। एक दिन पहले मैं उसके लिए एक नया टिफ़िन भी लेके आ गई हूँ, तो मैंने कहा आज उसका बर्थडे है तो आज उसको नए टिफ़िन में दिया जाए। तो बहुत अच्छा टिफ़िन है, अंदर से पूरा मतलब स्टील है, तो मेरे को अच्छा लगा ये टिफ़िन, तो मैं लेके आ गई उसके लिए। तो ये मैंने रैप कर दिया उसका परांठा, तो ये मैं इस तरीके से रैप कर देती हूँ। और ये इसका नया टिफ़िन है, जो कि पूरा ये नीचे से पूरा अंदर से स्टील है और फूड ग्रेड है, BPA फ्री है। और तो ये देखिए, इसमें एक छोटी सी डिब्बी भी है, इसमें मैं चिप्स डाल दिए, मैंने 2 बिस्किट्स रख दिए मैंने, कोकोनट वाले बिस्किट ये खाती है, इसको बहुत पसंद है। और साथ में मैंने चिप्स भी रख दिए, परांठा भी रख दिया है। तो कम से कम 3 या 4 चीज़ें इसको स्कूल के लिए देनी होती है, तो थोड़ा अच्छा होता है कि 3-4 चीज़ें बच्चों को टिफ़िन में दो, तो बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है खाने के लिए। तो बच्चे का कभी भी अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो उनको एक तो कुछ भी आप हेल्दी चीज़ दे रहे तो उसके साथ कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी डाल दीजिए, जिससे कि उनका मतलब मन हो टिफ़िन खोलने का और खाने का। तो मैं हमेशा शुरू से मैंने ऐसे ही कराए, फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके अब तक मैं ऐसे ही करती हुई आ रही हूँ, कि मैं हमेशा कभी 3 चीज़ें कभी 4 चीज़ें उसके टिफ़िन में डाल देती हूँ, और टचवुड वो उसको फिनिश करके आती है। कई बार होता है कि उसका मन नहीं होता तो कुछ चीज़ें नहीं खाती है वो, लेकिन नॉर्मली खाती है। ये बता देती हूँ कि ये जो अमूल की चॉकलेट्स है, ये हम उसकी क्लास टीचर मैम के लिए लाए हैं, और ये जो टॉफ़ी का पैकेट है ये क्लास के बच्चों के लिए लाए हैं। तो ये आराध्य अपने हाथ से देगी अपनी मैडम को, तो नीचे
तो सबके लिए हमने कुछ ना कुछ मीठा लिया है, तो ये प्रिंसिपल मैम के लिए मिठाई का डब्बा यहाँ से पैक करा दिया है। इसके बाद आराध्या को अब स्कूल छोड़ के आएंगे, और उसके बाद हमने आराध्या के लिए गिफ्ट लेने जाना है। तो मैं और आराध्या के पापा जाएंगे। तो अब हम गिफ्ट शॉप में आ गए हैं। आराध्या इस समय स्कूल में है, तो गिफ्ट शॉप में आ चुके हैं और यहाँ से हम गिफ्ट पसंद कर रहे हैं उसके लिए। तो हमने उसके लिए एक मैजिक कार ली है, तो मैजिक गाड़ी ली है। तो उसके पास पहले भी थी एक गाड़ी, तो अब हमने दूसरी ले ली है। ये थोड़ी सी उसका ऊंचा मॉडल है मैजिक कार का, तो ये वाला लिया है जो पैक करा रखा, पिंक कलर का, बहुत सुंदर है। मतलब जैसे पैंडा होती है, पैंडा जैसा ही है। अब ये शाम को बच्चे आ गए हैं, केक कटिंग का टाइम हो चुका है। तो केक कटिंग का टाइम हो गया, तो ये मेरी गुड़िया है प्यारी सी, मेरी प्रिंसेस आराध्या। तो ये मेरी बर्थडे गर्ल है। आज इसने ये वाली ड्रेस पहनी है, जो इसकी बर्थडे कैप थी वो तो इसने उतार के रख दी और पहना ही नहीं। और बालों में भी इसने ना कोई हेयर बैंड लगाया, ना क्लिप लगाने दी। बोला नो नो, नहीं लगाना मेरे बालों में, कुछ नहीं लगाना। तो बच्चे बस मूडी होते हैं, बच्चों का मूड होता है, तो बच्चे सब बातें मार। फाइनली केक कटिंग का टाइम हो गया है और सब लोग आ गए हैं, सब बच्चे आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे ताऊजी ने भी आना था, जो कि मेरे हस्बैंड के ताऊजी हैं, और उनके बेटे वो भी आ गए हैं। तो जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है वो मेरे देवर जी है, मतलब ताऊजी के बेटे, तो वो भी आ गए हैं। अभी वो उसमें केक में कैंडल लगा रहे हैं। और बाकी बच्चों को तो आप देख रहे हैं, सब आराध्या के फ्रेंड्स हैं ये, तो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं सब। तो बस अब केक कटिंग का टाइम। एसी में थी नाइफ, एसी में था, डब्बे में है, नाइफ है उसमें है। तो केक बहुत सुंदर आया आराध्या का, मतलब उसी के पसंद से लेके आए हम केक, हम आराध्या को लेके गए थे। तो जिसमें उसने हाथ रखा कि मुझे ऐसा केक चाहिए, हमने वैसा ही केक उसके लिए बनवाया, वैसे ही ऑर्डर पे दिया। तो बस अब रेडी हो गए हैं केक काटने के लिए। तो केक कटिंग का टाइम हो गया है, अब आराध्या केक काटेगी अपने दादाजी के साथ। तो जो ग्रीन शर्ट में अभी आए हैं, आराध्या के साथ बैठे हैं, वो मेरे ससुर जी हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं। और उधर जो अभी पिंक सूट में बैठेंगे, वो मेरी सासू जी है, मेरी मदर इन लॉ है, जो पिंक सूट में बैठे हैं। गुड, घर पे भी खड़े खड़े तैयार होंगे, बैठे बैठे थोड़ी तैयार हो चलो सारे एक साथ बोलेंगे। चलो भाई सारे एक साथ बोलो यार, इसमें फूंक मार। वन टू थ्री एंड स्टार्ट। नहीं मारो ना, दे एक बजाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आराध्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आराध्या, हैप्पी बर्थडे। अब खूब जोर से क्लैप लगा दो, क्लैप बजा दो। तो फाइनली केक कट गया है और केक खाने की बारी आ गई है। और अब आराध्या के दादाजी आराध्या को अपने हाथों से केक खिलाएंगे। तो अब आराध्या ने केक खा लिया है, तो उसी की पसंद का केक है। तो उस केक कटिंग के बाद, उसके बाद आराध्या के सभी फ्रेंड्स ने आराध्या को गिफ्ट दिए। उसके बाद मतलब अच्छा से हो गया प्रोग्राम हमारा, और आराध्या भी बहुत खुश हुई सबको देख के, और बच्चे भी बहुत खुश थे। आज बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, बहुत मस्ती करी, हम लोगों ने भी बहुत मस्ती करी बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छा रहा आज का बर्थडे हमारा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
की पार्टी जब हमने कर दी तो बच्चे जब अपने घर चले गए उसके बाद हम भी ताऊ जी और उनके बेटे को लेके बाहर रेस्टोरेंट चले गए डिनर करने के लिए। आज हमने सोचा बाहर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो साल भर में एक ही दिन तो आता है जब इतनी खुशी मनाई जाती है, तो हमने कहा आज खाना बाहर खाते हैं रात का। तो ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं साथ में मेरे, तो मैंने रेड कलर का सूट पहना हुआ है। तो सुबह से बहुत थकान हो गई है, सुबह मार्केट भी गए थे, तैयारी भी करी सब, तो थक भी गए थे काफ़ी। तो हम लोग यहाँ पर आए, काफ़ी पीसफुल रेस्टोरेंट है, मतलब अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी एटमोसफियर अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आए हम खाना खाने के लिए, तो इधर हम सब बैठे हैं, सामने मेरे ससुर जी, सासू जी और ताऊ जी भी बैठे हैं, और बस खाना आ चुका है। और देखिए कपड़े मैंने चेंज थे क्योंकि आराध्या बोल रही थी इसको, मतलब फ्रॉक में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसको टी शर्ट पहननी थी, तो मैंने सिंपल उसको टी शर्ट पहना दी। तो ये आराध्या थी कि अब मस्ती हो रही है, बस मस्ती कर रही है वो अपना स्पून से और पेपर नैपकिन से, तो बस उसकी मस्ती चल रही है। और अपने दादू के साथ तो बहुत खुश रहती है आराध्या, मतलब दादू के साथ तो पूरे दिन खेलती रहती है, तो अपने दादू दादी के साथ बैठी है। तो खाना भी आ चुका है, तो हमने बटर नान और प्लेन रोटी भी मंगाई थी, और उसके साथ हमने मलाई कोफ्ता और कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, प्लेन राइस मैंने मंगाया था अपने लिए, मुझे राइस थोड़ा ज़्यादा पसंद है, प्लेन राइस मैंने मंगाया था, और बस यही, और सैलेड था। बाकी हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, और ये मेरे देवर जी हैं इधर बैठे हैं। तो बहुत अच्छा रहा कल का आराध्या का बर्थडे, तो सब कुछ बढ़िया से रहा, सुबह स्कूल में भी, और ये देखिए दादी के साथ खूब मस्ती कर रही है। तो यहाँ पे आराध्या की खूब मस्ती चल रही है अपनी दादी जी के साथ। तो सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है। तो बस अब फाइनली घर जाने का टाइम है, खाना भी हम लोगों ने खा लिया है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ताऊ जी और उनके बेटे अपनी गाड़ी से चले गए थे, और हम अपनी गाड़ी से वापस घर जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। हाय, वेलकम बैक। तो फाइनली अब हम घर पहुँच गए हैं, जस्ट अभी पहुँचे हैं, अभी समय ये देखिए रात के 10:45 हो रहे हैं। तो जस्ट अभी पहुँचे हैं खाना खा के, और जो हमारे ताऊ जी हैं और उनका बेटा, मतलब मेरे देवर जी, वो वहीं से निकल गए थे, हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो बस आज बहुत थकान हो गई है, सुबह से मेरे सर भी दर्द हो रहा था, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस आपको ये बोलूँगी, अच्छे से निपट गया है आराध्य का बर्थडे। इतने दिन से होता है ना, कोई फंक्शन आने वाला होता तो बहुत टेंशन सी होती है, कैसे होगा कि कैसे कैसे मैनेज होगा, तो आज अच्छे से मैनेज हो गया सब कुछ। आराध्य भी बहुत हैप्पी है, उसके इतने सारे फ्रेंड्स आए थे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स को। थैंक यू सो मच। ये देखिए पीछे सारा फैला हुआ है, अब तो ये सुबह ही करूँगी क्योंकि अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, तो अब सुबह ही होगा सारा काम। तो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।